रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सलीमा रजा। मैं हूँ अरशद इकबाल। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने साप्ताहिक प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां में। अरशद, क्या कभी सोचा है कि हम जो काम करना नहीं चाहते या जिसे करने में हमें आलस आ रहा हो, उसे टालने के लिए हम सभी को डिक्शनरी में कितने सारे बहाने मिल जाते हैं? सलीमा जी, इतने बहाने कि अगर गिनने पे आ जाएं तो खुद थक जाएं, पर बहाने खत्म नहीं होंगे। इन बहानों का सहारा लेकर हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं जनाब। हमें काम टालने पर नहीं बल्कि उसे कर दिखाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो जन्म से ही दृष्टिहीन तो जरूर हैं, मगर उन्होंने अपनी दृष्टिहीनता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री तारक लोहार की, जिनके माता पिता ने मात्र 4 साल की उम्र में ही उन्हें त्याग दिया था। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने पर भी तारक जी ने हिम्मत नहीं हारी और आत्मविश्वास की डोर थामे आगे बढ़ते रहे। आज एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं और अपना एक म्यूजिकल बैंड भी चलाते हैं। वाह, तो दोस्तों, तारक जी के जीवन से जुड़े हर पहलू पर उनसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे दोस्त साथी जॉर्ज अब्राहम। नमस्कार तारक भाई, आपकी जो आंखों का प्रॉब्लम है, ये कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ और आपका परिवार का जो इस प्रॉब्लम के प्रति क्या रुख था? मैं उत्तरांचल के नैनीताल जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी उस समय आर्मी में थे, चाइना वॉर चल रही थी। करीब 2 साल की उम्र में, जब गर्मियों में अक्सर बच्चों की आंखें दुखने आती है, ऐसे मेरी आंखें भी दुखने आई थी। और पिताजी बॉर्डर पे होने की वजह से देहात में जो देसी डॉक्टर्स होते हैं उनसे कुछ इलाज करवाया, तो उसके रिएक्शन की वजह से मेरी रोशनी चली गई। तो बाद में एक निराशा तो परिवार में थी ही थी। एक हमारे कमांडर के मिसिस थी जो कि गुजरात से थी, उन्होंने कहा कि इसको अहमदाबाद के अंदर एक छोटे बच्चों के लिए बाल मंदिर चलता है, चिल्ड्रन नर्सरी टाइप का, तो वहां पे आप एडमिट करवाए तो इसकी कुछ जिंदगी बनेगी। घर से दूर 4 साल की उम्र में आप अपना सफर अकेले शुरू किया, हमारे सुनने वालों को जरा आप इस जिंदगी के सफर के बारे में थोड़ा बताएंगे? जब मैं ब्लाइंड स्कूल में एडमिट हुआ तो शुरुआत में तो मेरे पिताजी 10-15 दिन मेरे साथ रहे थे, फिर एक या दो वेकेशन में वो लेने आए थे। उस समय वो पूना रहते थे, वो रिटायर होके गांव चले गए और मुझे लेने आने जाने का उनसे बना नहीं। वेकेशन में अक्सर ये जो स्कूल होते हैं उनमें तो वेकेशन में बच्चों को अपने अपने घर भेजा जाता है, तो मुझे कहाँ भेजना एक सवाल था। तो मेरे जो टीचर्स थे वो सब लोग अपनी तनख्वाह में से 10-10 रुपये इकट्ठा करके किसी एक बच्चे को 100 रुपया देते थे और मैं वो बच्चे के घर जाता था। बाद में जब मैं मैट्रिकुलेशन में पहुंचा तो उसके बाद में हमारी स्कूल में पढ़ाई बंद हो जाती थी। और स्वाभाविक है कि स्कूलिंग खत्म होने के बाद में वो लोग बच्चे को रख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने हमारे घर पे लेटर लिखा कि भाई अभी तुम्हारे बच्चे ने मैट्रिक पास कर लिया है, आप उसको ले जाइए। तो उसका कोई जवाब नहीं आया। और मुझे पढ़ाई में रस था और हुनर में मेरी कोई रुचि नहीं थी। आज भी मुझे हथौड़ी पकड़ना अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में एक चीज थी कि मुझे पढ़ना है, इसके लिए मैं अलग अलग जगह पे मैं गया और लोगों को बताया कि भी मुझे पढ़ना है, तो लोग ऐसे बोलते थे कि तुमको पैसा कौन देगा, कैसे तुम पढ़ोगे, पैसे चाहिए। था सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं गया तो मैं ब्रदर लोबो को मिला, उन्होंने मुझे कंडीशन दी कि अगर तुम्हारा फर्स्ट क्लास आता है और हर साल अगर आप फर्स्ट क्लास लाओगे तो हम आपको एडमिशन देंगे। धीरे धीरे सब स्कूल के जो कॉलेज के लड़के थे वो सब के साथ में मेरी दोस्ती बनती गई। एक बार मैं बीमार हो गया, कॉलेज में कुछ लड़के थे उनको पता चला कि ये लड़का बीमार हुआ है, तो वो घर से खिचड़ी लेके आए, उसमें से मेरे अनिल स्टार्च के मालिक है कमल शेठ करके, उनके साथ में दोस्ती हुई। वो दोस्ती मुझे बहुत लंबे तक चली क्योंकि उनको पता था कि मैं ऐसे ही किसी से कोई चीज लेता नहीं था। तो वेकेशन में मुझे अपनी फैक्ट्री में वेकेशन जॉब पे ले जाते थे, वहां पे मेरा काम था टेलीफोन रिसीव करना जब तक सेठ नहीं आए तब तक, और मैसेज नोट करना, और वो मुझे तनख्वाह देते थे और जो कॉलेज मुझे स्कॉलरशिप देती थी उसकी मदद से मैं पढ़ता था। उस तरह से मैंने TYBA तक अभ्यास किया। TYBA में मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड आया और मेरे साथ में कॉलेज में जो पढ़ती थी नंदिनी बहन, उन्होंने मुझे बताया कि तू यहाँ पे अप्लाई तो कर,
वो भी उस समय यहाँ पे नई नहीं आई थी, तो मैंने अप्लाई किया, मुझे बुलाया गया और मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से काम शुरू किया और पढ़ाई आधे रास्ते पे छोड़ दी। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं। हर बुधवार की शाम 9 बजे विविध भारती के स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, ये है रोशनी का कारवां। तारक भाई, आप संगीत में रुचि रखते हैं और आपने संगीत के क्षेत्र में काफी कुछ काम भी किया है गुजरात में, इसके बारे में आप हमारे सुनने वालों को कुछ बताएंगे? एक अनिला गोहिल करके, जो कि गुजरात की बहुत ही जानी हुई गायिका है, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। करीब मैंने 100-150 शो उनके देखे थे। और उसके अलावा यहाँ पे एक डायना ठाकुर करके बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, उसके भी मैं ड्रामा के भी सब जो रिहर्सल्स थे, स्टेज शोज थे, वो देखता था। बचपन में भी मैं आर्ट का, परफॉर्मिंग आर्ट का काम करता था, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। फिर कॉलेज में मैं टैलेंट इवनिंग वगैरह में गाता था। उसके बाद में मेरा एक फ्रेंड सेंट जॉर्ज कॉलेज में एडमिट हुआ, नटवर सोलंकी करके, और वो बहुत ही अच्छा गाता था। तो हम लोगों ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया कि अपने एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, और हम लोगों ने ल्यूनेटिक के नाम से एक ग्रुप फॉर्म किया, ल्यूनेटिक ऑर्केस्ट्रा करके। और सब लोग हमको बोलते थे कि ल्यूनेटिक का मतलब तो होता है दीवाना, पागल, आपने ऐसा कैसा नाम रख लिया। तो हमने बोला कि सच है, हम जब ग्रुप बनाते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि ब्लाइंड लोग मिलकर कैसे ग्रुप चलाएंगे, इसलिए हमने ये नाम ठीक ही रखा है। ये सोच के हमने उसमें काम करना शुरू किया, स्टेज प्रोग्राम किए, गरबे के प्रोग्राम किए, म्यूजिकल नाइट्स की, 97 तक अपना ग्रुप चलाया। तो मेरा एक सपना था कि ब्लाइंड लोगों का एक फुल ऑर्केस्ट्रा हो, तो वो सपना साकार करने में मुझे ये जो स्टेज है स्कूल का, वो बहुत ही काम आया। और हम लोग ये ऑर्केस्ट्रा के सभी सामान लाके हमारे बच्चों को सिखाया, और उसका हम लोगों ने करीब 2000 से परफॉर्मेंस शुरू किया। चलते चलते एक आखिरी सवाल तारक भाई, 10 साल बाद आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हो? जिन्होंने मुझे कॉलेज में हेल्प किया था, ब्रदर लोबो ने, या तो स्कूल टाइम में जो मेरी माँ की भूमिका करती थी मुक्ता बहन, जिन्होंने मुझे आगे डेवलप किया, जो मैंने नंदिनी बहन का उल्लेख दिया कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे जॉब के लिए प्रमोट किया, या कमल शेठ, वो लोगों ने जो भी मुझे हेल्प किया है, अगर मैं उनको इन द मैटर ऑफ मनी अगर मैं वापस देने जाऊँ तो उसका शायद पैसा दे पाए, लेकिन वो समय हम नहीं दे पाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हमें किसी आदमी ने हेल्प की है, उसको एक यज्ञ की तरह समझ के हम उसको आगे बढ़ाएं, किसी और के लिए काम कर पाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिस स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ, उस स्कूल के बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज का वो कर पाऊँ, और मेरी स्कूल जो है एडल्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर द ब्लाइंड, वो एक मॉडल स्कूल बने। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyewayorg पर विजिट करें। सलीमा जी, एक तनावर दरख्त जो सायादार दरख्त होता है, उसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे किसी बहुत बड़े सफर की शुरुआत एक नन्हे से कदम से होती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है अरशद। दोस्तों, आज इस शख्सियत की, जिस शख्सियत की अब हम बात करने जा रहे हैं, उनका ये मानना है कि इंसान को अपनी शारीरिक असमर्थता पर नहीं बल्कि अपनी क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, वही छोटे से बीज वाली बात। जी हाँ, बिल्कुल 100% सही। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मार्क पलक की, जिन्होंने अपनी दृष्टिहीनता को भूल कर अपने लक्ष्यों पर ध्यान दिया और उन्हें हासिल भी किया। आज उनके इस कामयाब सफरनामे पर रोशनी डालने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टॉम ऑल्टर। मार्क पोलक, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया
कि दृष्टिहीन लोग भी किसी से कम नहीं। मार्क 21 वर्ष के थे जब उन्होंने डबलिन की ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, पर दुर्भाग्यवश इसके तुरंत बाद ही वो अचानक अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। इस दुखद हादसे ने उन्हें हिलाकर रख दिया, पर कहा जाता है ना, जहां चाह वहां रहा। कुछ ही महीनों में बिजनेस स्टडीज में अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके साथ ही खेलों में भी अपना नाम रोशन करते हुए उन्होंने मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेते हुए रोइंग में कांस्य और रजत पदक भी हासिल किए। चुनौतियों से लड़ना उनका शौक बन गया। उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन नॉर्थ पोल मैराथन दौड़ में भाग लिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कई अन्य दौड़ों में भी हिस्सा लिया। 2005 में उन्होंने मंगोलिया के रेगिस्तान में आयोजित एक दौड़ में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 7 दिनों के अंदर भागकर 150 मील की दूरी तय की। असंभव को संभव कर दिखाने के अपने बुलंद इरादों के बल पर उन्होंने दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण मल्टी स्पोर्ट इवेंट में भाग लिया, जहां उन्हें 140 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी थी, 36 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी थी और अंत में 67 किलोमीटर कायकिंग करके रेस को खत्म करना था। यह अलग बात है कि मार्क इस रेस को पूरा न कर पाए। वो चुनौतियों का सामना सिर्फ खुद ही नहीं करते, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते। वो अपनी मिसाल देकर दूसरों को कभी हार न मानने की सलाह देते। बात बताइए, जिन लोगों को जिनकी आई साइट बहुत वीक है और आंख का डॉक्टर उनसे कहता है कि अब उनकी आई साइट ठीक नहीं हो सकती, तो ऐसे में उन लोगों के पास क्या कोई रास्ता बचता है? जी हाँ, बिल्कुल रास्ता है। शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि लो विजन स्पेशलिस्ट्स या रिहैबिलिटेशनिस्ट्स जो होते हैं आंखों के मामले में उनकी काफी मदद कर सकते हैं। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो इन लोगों को लो विजन एड्स, डिवाइसेस और लाइफस्टाइल रिहैबिलिटेशन के बारे में सही सलाह देते हैं। जी, और इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सच्चू रामलिंगम, जो दिल्ली के एक जाने माने विजन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज सेंटर की कंसल्टेंट और हेड हैं। जी हाँ, इनसे बातचीत करेंगे सिद्धार्थ शर्मा, जो दिल्ली में एक बेहद कामयाब पीआर कंपनी चलाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ भी दृष्टिहीन हैं। सच्चू जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अल्पदृष्टि यानी कि लो विजन क्या होता है और ये अंधत्व यानी कि ब्लाइंडनेस से कैसे डिफरेंट है? लो विजन व्यक्ति और अल्पदृष्टि व्यक्ति वो लोग होते हैं जो टोटली ब्लाइंड भी नहीं होते हैं या उनके पास बिल्कुल नॉर्मल नज़र भी नहीं होते हैं, बीच में होते हैं और इनको डेली एक्टिविटीज़ जो कहते हैं वो करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम होता है। हम उन लोगों को लो विजन मानते हैं जो उनकी दूर की नज़र जब नापते हैं तो वो नज़र 6/18 से WHO के डेफिनेशन के हिसाब से 3/60 तक जो व्यक्ति है उनको लो विजन कहा जाता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि लो विजन इंटरवेंशन और चिकित्सी यानी कि मेडिकल इंटरवेंशन के बीच में क्या अंतर है? मेडिकल इंटरवेंशन ये सोचते हैं कि आइस के बारे में कि सर्जरी हो या चश्मा हो या कोई दवाई हो,
पर इनका तरीका ये है कि उनके जो नज़र बची हुई है उसको किस तरह से कैसे इस्तेमाल करें। कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम ट्रेन कर सकते हैं जो वो प्रिंट साइज वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने के लिए। और दूसरी बात ये है कि एक तो लो विजन डिवाइसेस भी है जो उस व्यक्ति को हम दे सकते हैं, और फिर उसके इस्तेमाल से जो छोटे छोटे प्रिंट है वो पढ़ने में अगर दिक्कत है तो वो हटाया जाता है। दूसरी ये इंटरवेंशन होती है कि इल्यूमिनेशन, एक साधारण सी काम जो डिम लाइट में कम रोशनी में नहीं किया जा सकता है वही काम या अल्पदृष्टि के व्यक्ति जो है वो अच्छे रोशनी में उसी कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से कर पाएंगे। सचू जी, छोटे बच्चों में लो विजन पहचानने के लिए क्या लक्षण हो सकते हैं? मान लीजिए जो बच्चा एक दिन का बच्चा है उसका नज़र सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखने के लिए और उस कमरे में रोशनी है या नहीं देखने के इतना ही रोशनी होता है। जो बच्चा एक महीने का होता है उसको अराउंड हाफ अ मीटर आधा मीटर की नज़र बनती है। तो पहला सिम्टम एक महीने और तीन महीने के बीच में अगर बच्चा अपनी माँ के चेहरे देख के स्माइल नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ जैसे कुछ कंडीशंस हैं जैसे काला मोतिया वो तो बच्चे पैदा के फर्स्ट डे ही पता लग जाता है, उनके पुतलियाँ बड़े बड़े होते हैं और वो आंख खोल नहीं पाते हैं, लाइट देखना नहीं चाहते हैं, तो ये हो सकता है। या आंख बहुत लाल है ये हो सकता है। और अगर एक महीने और तीन महीने के बीच में भी मिस हो जाए, चार या पाँच महीने के बीच में अगर बच्चा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अगर फैन चल रहा है और बच्चा देख नहीं रहा है तो वो एक बहुत कॉमन सिम्टम है। एक और कंडीशन है जिसमें बच्चे बार बार दोनों हाथ से आंख को मलते रहते हैं। कुछ बच्चों में आंख बहुत पत्थर जैसा होता है या आंख बहुत बड़ा सा है या कोई कोई बच्चों की आंख बहुत छोटे बने हुए होते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों को पैदाइशी सफ़ेद मोतिया भी हो सकते हैं, तो वो तो डॉक्टर ही खुद मतलब जो डॉक्टर बच्चे को देख रहे हैं पहले एक दो हफ्ते वो खुद वैसे पता लगा सकते हैं, वरना पेरेंट्स को भी खुद देख सकते हैं कि बीच वो काली पुतली में सफ़ेद सफ़ेद अगर उनको कोई बिंदु दिखाई पड़े तो भी डॉक्टर के पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कहते हैं आंख के डॉक्टर जो है उनके पास तुरंत पहुंचना होता है। अगर ये सफ़ेद मोतिया को तीन महीने के अंदर नहीं निकालेंगे फिर वो बच्चा अल्पदृष्टि या लो विजन बच्चा बन जाता है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। अब आप हमें ये बताएं कि अल्पदृष्टि यानी कि लो विजन किस किस तरह के होते हैं? कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो पैदाइशी होते हैं और कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो हेरिडिटरी कहते हैं, जो बच्चों को सात जन्म के पुरखों से किसी भी पुरखे से आ सकते हैं। तो वो हमेशा बच्चों को जब वो 11 से 20 साल के बीच में जो होते हैं तब शुरू होता है। और कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के वजह से या डायबिटीज़ के वजह से और जो
लोग बड़े होते हैं बुज़ुर्ग होने के वजह से, जैसे जो शारीरिक चेंजेस आ रहे हैं हमारे, उसके वजह से भी नज़र कम हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस, अगर मैं बचपन के कहूँ, सफ़ेद मोतियाँ, काला मोतिया जो ग्लोकोमा कहते हैं, और कोलोबोमा करके एक कंडीशन है जिसमें सारे आँख के पार्ट्स ठीक तरह से बने नहीं होते हैं, और कुछ कंडीशंस हैं बहुत रेयर होते हैं, रेटिनाइटिस ब्लास्टोमा जो कहते हैं, मतलब कैंसर ऑफ द आई। और आज की तारीख में सबसे कॉमन कंडीशन है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, 32 वीक्स के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं और 1500 ग्राम से जो बच्चे कम वजन के हैं उनको ये रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी हो सकता है। बाकी तो नस भी कभी कभी सूखा हुआ हो सकता है। और जो मैं कह रही थी एडोलेसेंट कंडीशंस, वो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और हेरिडोमैक्युलर डीजनरेशन, और ओल्ड एज में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और सफ़ेद मोतियाँ, आँख के पर्दे के प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं वो ज़्यादातर मिडल एज और ओल्ड एज में होते हैं। चलिए, ये तो अभी आपने हमें अल्प दृष्टि के अलग अलग पहलुओं के बारे में समझाया, अब आप हमें ये बताइए कि अल्प दृष्टि वाले इन बच्चों के अभिभावकों को किन चीज़ों को ख्याल में रख के इनका पालन पोषण करना चाहिए। पहली बात तो अपने बच्चे को पार्टी में लेके जाना है जैसे वो दूसरे बच्चे को लेके जाना है, कोई बाहर बाजार जाते हैं तो इस बच्चे को भी लेके जाना है। और जब लेके जाते हैं तो पेरेंट्स का सबसे अहम रोल ये है कि जो भी वो देख रहे हैं उस बच्चे को बताएं कि वहाँ एक सफ़ेद गाड़ी जा रहा है, वो कार है, मतलब हर चीज़ को डिस्क्राइब करने से इस बच्चे का नज़र जो है उसका एफिशिएंसी जो हम कहते हैं वो बढ़ता है। सेकेंड रूल है कि कभी बच्चे को टोकना नहीं चाहिए कि तुम गिर जाओगे, तुम्हें भागना नहीं चाहिए, तुम ज़्यादा तेज़ ज़्यादा दूर मत जाओ। बच्चे को जितना दिखता है वो उतना दूर ज़रूर जाएगा, अगर उसको दिखता नहीं है तो वो रुक जाएगा। अगर एक दो बार बच्चा गिरता भी है तो वो नॉर्मल प्रोसेस है डेवलपमेंट के लिए। जितना बच्चा नज़र को इस्तेमाल करेगा 0 to 8 ईयर्स के बीच में, उतना उसका फंक्शनल विजन जो कहते हैं वो बहुत बढ़ेगा। बेशक बच्चे का 6x60 नज़र है पर वो फंक्शन ऐसा करेगा कि उसकी नज़र 6x36 है, क्योंकि वो अपने दिमाग में अपना विजुअल मैपिंग बना चुका है। इससे क्या होता है कि जो कॉग्निटिव स्किल्स हम कहते हैं, इस कारण से वो बच्चा उतने ही आगे नॉर्मल बच्चे के हिसाब से इसकी कॉग्निटिव स्किल्स भी बनेगी। सचू जी के लिए हमारे पास बहुत अन्य प्रश्न हैं, पर यही चर्चा हम जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे आई वे हेल्प डेस्क 0996832239 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। चलिए अर्शद मियां, अब हमें एपिसोड 19 में पूछे गए सवाल का जवाब बता देना चाहिए। हाँ। जिसका हमारे वो यानी कि श्रोता इंतजार कर रहे हैं। तो 19वें एपिसोड में हमने पूछा था भाई कि कौन सी हिंदी फिल्म में दृष्टिहीन लोगों को आत्मनिर्भर और खुशदिल दिखाया गया है। आपके ऑप्शंस थे ए ब्लैक, बी आंखें और सी स्पर्श, और हमारे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आंखें। दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे हिसाब से इस सवाल का जवाब आंखें फिल्म क्यों है। दोस्तों वो इसलिए कि हम इस फिल्म में जो 3 ब्लाइंड युवक देखते हैं जिन्हें दिखाया गया है, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी इंडिपेंडेंट दिखाए गए हैं, ना? उनकी इंडिपेंडेंट मोबिलिटी स्किल्स काबिले तारीफ हैं। और लगभग पूरी फिल्म में इन्हें मौज मस्ती करते दिखाया गया है। इस सवाल को पूछने का हमारा मकसद यही था कि आप लोगों को ये बताया जा सके कि हम किसी को भी स्टेरियोटाइप नहीं कर सकते। जी हाँ, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता वो उतना ही इंडिपेंडेंट और फन लविंग हो सकता है जितना कि एक व्यक्ति जो देख सकता है। इस फिल्म में दिखाई गई एक दृष्टिहीन व्यक्ति की इंडिपेंडेंस वाकई आज कई दृष्टिहीन लोगों के वास्तविक जीवन का एक हिस्सा है। दोस्तों
हम उनके बैंक रॉबरी की बात नहीं कर रहे लेकिन दोस्तों हम ये कतई नहीं कह रहे कि जीवन जीने का यही एक आदर्श तरीका है। हम में से हर एक को जीवन अपने अंदाज से जीने का पूरा पूरा हक है। मैं सलीमा जी, हमने अपनी बातचीत में ये तो भुला ही दिया कि विनर कौन है। हाँ, तो उनका नाम बताने के लिए, यानी लकी विनर का नाम बताने के लिए हमारे साथी गुनीत सेठी। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे एपिसोड नंबर 19 के भाग्यशाली विजेता का नाम है मिस्टर जी पी मालविया, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर विनिंग दिस कॉन्टेस्ट। जी हाँ, तो अब आइए पूछते हैं एपिसोड नंबर 25 का सवाल। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आईसाइट बहुत वीक है और जिसका कोई इलाज भी नहीं है, एक लो विजन स्पेशलिस्ट के पास जाता है, तो उस समय लो विजन स्पेशलिस्ट क्या करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, सर्जरी या दवाओं के जरिए उस व्यक्ति की आईसाइट को सुधारने की कोशिश करता है। बी, व्यक्ति की बची हुई दृष्टि को बेहतर इस्तेमाल के लिए उसे लाइफस्टाइल में बदलाव, एड्स और अप्लायंसेस की सलाह देता है। सी, दृष्टि सुधारने के लिए वो काला जादू करता है। When a person with medically incurable poor eyesight goes to a low vision specialist, what does the low vision specialist do? Option A, tries to improve their eyesight medically by surgery or through medication. Option B, suggests lifestyle changes, aids and appliances to optimally use their remaining vision. Or option C, does black magic for improving vision. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 0996832932। और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iwayeyewaye.org पर लिखें। अच्छा दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टाटा। अरे भाई सलीमा जी, आप बहुत जल्दी में लग रही हैं। हाँ, जाने से पहले ही अपने दोस्तों से कुछ दो बातें भी नहीं की, सीधा टाटा। भाई बात ऐसी है कि जब बिछुड़ना ही है तो जरा जल्दी बिछुड़ जाएं, जितनी देर दिल लगाएंगे जाने का उतना ही दुख होगा। क्या बात कह रही हैं आप। भाई सलीमा जी ने अपने साथियों से दिल लगाना छोड़ दिया है। भाई हम तो कहते हैं कि ये दिल हमेशा लगा रहे। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम आज जा रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते ठीक इसी वक्त इसी प्रोग्राम में फिर से शामिल होंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है।